दादी मुझे चॉकलेट चाहिए। बहू तू इसे अंदर लेके जा, चॉकलेट चाहिए। हाँ दिला दूंगी मैं तुझे चॉकलेट, तू अंदर जा। चॉकलेट चाहिए दादी, चॉकलेट चाहिए। गोपाल चुप हो जाओ। देखो गोपाल जिद नहीं करते, चुप हो जाओ और दादी की बात सुनो। प्रतिभा तुम अंदर जाओ। गोपाल ए दीदी इसे अंदर लेके जा, इसे कोई गेंद दे दे खेलने के लिए। अवश्य मैया। पद्मा भगनी पुत्र बालनखर शिशु गोपाल आप हमारे संग निकेतन के भीतर प्रवेश करें। तू अपनी शुद्ध हिंदी के बम गोले उस पे मारना बंद कर, इसे अंदर लेके जा हाथ पकड़ के। अरे जा ना। अवश्य मैया। माँ जी वो ये बच्चा जब मेरे सामने। चुप। अरे वो भोली की दीदी ध्यान रखियो, तेरी भाषा में ये यशोदा का नंदलाल घर से बाहर ना निकले, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में गोपाल है। सासू माँ आप इतना जोर से बोलेंगे तो सबको पता चल ही जाएगा ना। सुनो ऐसे बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा इतना भी नहीं, सलाह के घर पे ताला है, चलो। अब बताओ अब क्या करना है। अब क्या सासू माँ आए हैं तो ले ही लेते हैं। भैया 2 किलो टमाटर देना, 2 किलो गोभी और पालक भी ले ही लेते हैं ना सासू माँ। कद्दू भी ले ले, बहुत दिन से नहीं खाया। भैया कद्दू है? कद्दू नहीं है। पद्मा 2 किलो पद्मा? पद्मा के बारे में इतना क्यों सोचना सासुमा, वो भी कद्दू खाई लेगी। अरे पद्मा को घर से कैसे निकाला जाए मैं वो पूछ रही। लेकिन ये बात हम घर से भाग के क्यों कर रहे हैं? अरे तो घर में बैठ के बात कर कहां सकते हैं, कान लगा के घूमती रहती है। अजब गिराती हुई ये लल्ला भी ना चिंता में आधा हो गई, कुछ खा ही नहीं रहा ठीक से आजकल। आप बिल्कुल सही कह रही है, सब्जी तो ले रहे हैं लेकिन भूख ही नहीं लग रही। सोच के देखो सासू माँ कर भी क्या सकते हैं, पद्मा के खिलाफ कोई सबूत भी तो हाथ नहीं लग रहे। हाथ लगा तो उसका बाल गोपाल। अरे ये तो क्या जन्माष्टमी के गाने गा रही है, बाल गोपाल बाल गोपाल। धीरे बोल। ए कुंती क्या बुलवा रही है धीरे धीरे बहू से है? सरला तेरी तो मैं हर एक बात बिल्कुल बराबर दूर से भी सुन लेती हूँ कुंती। क्यों पुरानी बहू और सास मिलकर नई बहू की चुगली कर रहे थे क्या? अरे सरला नहीं कहाँ, पुरानी बोल पुरानी, उसकी शादी तो 6 साल पहले कन्हैया से हुई थी। कायदे से तो वही तुम्हारी पहली बहू हुई ना, और ये पढ़ी लिखी आखिरी। बस हो गया तेरा, भर गया तेरा पेट, पढ़ लिया मेरी बहुओं का पहाड़ा। अब जा अपनी बहू की सुन, देखना आज तेरी बहू तुझसे कपड़े भी धुलवाएगी। मेरी बहुएं कम से कम मेरी सेवा तो करती हैं। कुंती तेरी पहली बहू पद्मा वो भी तो तेरी सेवा करती होगी ना? अरे क्यों नहीं पूरी की पूरी अलका याग्निक है वो। कुंती तो उसे बैठा बैठा के उससे गाना सुनती है। माँ जी कद्दू मिल गया। बॉल? हाँ हाँ फुटबॉल, जा अपने घर जा। फुटबॉल नहीं बॉल। मर गए मर गए मर गए। कुंती ये बच्चा कौन है? दीदी ये बच्चा किसका है? ये हुँ? ये बच्चा ठीक है अब तू जा। हुँ? और तूने क्या कहा
अरे अभी तो बताया मैंने। तो मैंने सुना नहीं, फिर से बता। हाँ तो फिर से बताती हूँ, ये बच्चा ठीक है, अब तो जा। हर बार नहीं है, अब बता ये बच्चा किसका है? ये इंसान का बच्चा है। तो इंसान तो हम भी हैं, हम कोई अमरूद के पेड़ से तो टपके नहीं है, लेकिन ये बच्चा तेरे घर में क्या कर रहा है? ये वो सरला प्रेमा बताओ ना। आंटी वो बुझावे दी सो यूजर अलोर नु सो वेन्यू एन अतोंदियो। देखा बिल्कुल ठीक, अब समझ गई ना, अब जा। नहीं समझी, बता ना ये बच्चा किसका है? आंटी सोच के देखो, बच्चा है, बच्चा बच्चा है तो अपने माँ बाप का ही होगा ना, माँ बाप का बच्चा है। हाँ बच्चा तो अपने माँ बाप का ही होगा। हाँ तो फिर इस बच्चे के माँ बाप कौन है? बेटा बॉल हमें मिल गई है, अब अंदर जाओ। हाँ अंदर जाओ। कुंती ये बच्चा इधर क्या कर रहा है? डैडी तुझे दादी बोल रहा है। हाँ। दादी तुझे बुला रहा है, तू मुझे सरला बुला रही है। बाबा मेरा बच्चा, मेरा बेटा। बेटा सरला दादी को नमस्ते करो। मम्मी दादी मेरे लिए चॉकलेट लाएगी। दादी पद्मा का बेटा, यानी कि कन्हैया का बेटा, यानी कि कुंती तेरा पोता। बधाई हो कुंती, तू तो दादी बन गई, सब्जियां लेते लेते ही तू तो दादी बन गई। वाह। अरे भैया सब्जियां थोड़ी ज्यादा डालना। हाँ कुंती के घर में बस नहीं 11 लोग हो गए। वाह भाई वाह। नहीं कुंती, कुंती रोना नहीं, रोना नहीं, पोता देख रहा है कुंती, रोना नहीं। दादी शांत हो जा। मैया मैया ठीक है ठीक है। माँ जी पानी मेरे सर पर डाल दे, ये पानी। कहा था ना नजर रखियो उस पर, बस शुद्ध हिंदी में चटर पटर करवा लो इससे। देख छुटंकी सा बच्चा नहीं संभाला गया तुझसे। माँ जी इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। क्या भाभी आप तो वहां थी भी नहीं, आपकी गलती कैसे? तो भी दीदी की गलती समझो मेरी गलती, क्योंकि दीदी तो कोई गलती करती नहीं है ना। माँ जी आप इसे मेरी गलती समझ के मुझे ही डांट लीजिए। भोली ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। मैया प्रार्थना स्वयं ही क्षमा प्रार्थी है, कदाचित वो पद्मा भगनी पुत्र पाल नटखट शिशु गोपाल हमारे हस्त बंधन को झटपट झपट कर तीव्र गति से गतिवान हो गया। माँ जी वो गोपाल दीदी का हाथ झटके से छुड़ा के भाग गया, कह रही है दीदी। माँ जी अब दीदी को नहीं मुझे ही डांट लीजिए, कह रही हूँ मैं। अरे तुझे डांट के अब क्या मैं अचार डालूंगी? सरला मीनू तो पूरे मेरठ में गा देंगी, कुंती का पोता, कुंती का पोता। मम्मी जी कुछ कुछ ये कौन सा गाना है? कुंती का पोता, कुंती का पोता। मैंने तो कभी ऐसा गाना
रेडियो पे सुना नहीं। ए, चुप कर और वहीं बैठ। रेडियो तो अब सरला का बजेगा मेरठ में। वो तो कंजूस है, वरना खुद पर्चे छपवा के मेरठ में लगवा देती दीवारों पर। बाबा, गजब के राय है, सुनने में कितना अच्छा लगता है। कुंती का पोता, कुंती का पोता। हमारे बबुआ के तो भाग ही खुल गए। हम जानते थे एक ना एक दिन हमारे बबुआ का बहुत अच्छा परिवार मिलेगा, लेकिन इतना अच्छा इन्हें ना जानते थे। भगवान कृष्ण जैसे पप्पा, देवकी जैसी दादी और इतनी प्यारी छोटी मम्मियां, और ऐसे कैसे नाच रही थी? अरे ये सब हमारे बीन बजाने का कमाल है। अरे इतना अच्छा बजाते हैं ना कि सोता हुआ मगरमच्छ भी उठ के कथकली करने लगता है। ये तो जूही चावला है। ये तुम्हारा क्या नया है? सासुमा, हम तो नाटक की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीन हम कुसुम डार्लिंग के लिए बजा रहे थे, क्योंकि असली नागिन तो तुम ही हो ना। कहिए पद्मा, इच्छाधारी नागिन तो नहीं? शंभू, चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। इच्छाधारी नागिन संभव है मैया? सर्वदोष युक्त नागंग्रस्त का धारण स्थिति पूर्ण रूप से संभव है। हो सकता है माँ जी, इच्छाधारी नागिन होती है। कह रही है दीदी, हमारे गांव में भी। तू अपने गांव की बात में बताइयो, पहले पहले से दूध पिला। एक मिनट, तू नागिन को दूध पिला रही है? सोच ले। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर इसने दूध देकर जीभ बाहर निकाली और लपलपा के पिया तो नागिन है, और अगर इसने मुंह लगा के पिया तो समझ लेना सासुमा नागिन है। सासुमा नागिन है क्या? हाँ? नागिन है सासुमा? हाँ? नागिन है क्या सासुमा? मेरा ही कमरा है, रुक। पापा, गजब की राय है। घबरा कह रही है? अच्छा समझ गए। ए दीदी, सासुमा आप घबराइए मत, हमको इच्छाधारी नागिन नहीं है। वो कहा है ना, हमको बचपन से ही नागिन का धुन बहुत है पसंद है, तो उसको सुनते हैं तो अपने आप को रोक नहीं ना पाते। गांव में जब हमारे यहाँ सपेरा आता था तो हम नागिन की तरह खूब नाचते थे बचपन में। तो इस संदर्भ में कदाचित कैया स्रोत प्यास दुग्ध शीर का सेवन करके बताइए। हाँ, फिर से नाच के दिखाते हैं। नहीं, तो फिर ये दूध पी के दिखाओ। कह रही है दीदी, अभी पता चल जाएगा। कह रही हूँ मैं, मेरा मतलब है दूध पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन दीदी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, दूध पियो। नहीं नहीं, वो कहा है ना दीदी, हमको दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, तो नहीं ना पी सकते। सासुमा तुम पी के दिखाओ, देखें इच्छाधारी नागिन चश्मा पहनती है कि नहीं। गोपाल, गोपाल का दूध का वक्त हो गया है, हम ही दूध गोपाल को पिला।
बता देते हैं। गोपाल सासू माँ, वो हम मन्नत मांगे थे कि जब गोपाल अपने पापा के घर आ जाएगा तो हम भोलेनाथ का मंदिर का दर्शन करेंगे। आपका आज्ञा हो तो हम जाए का? हाँ जा, थोड़ी देर घर में चैन तो मिलेगा। सासू माँ धन्यवाद। सुमा, क्या बात कर रहे हो जीजे? पद्मा नागिन की तरह नाच रही थी। साले साहब, ये सब हमारे बीन बजाने का जादू है। तुम भी साड़ी पहनो, नागिन की तरह नाचने लगोगे। डरो मत जीजे यार। अरे आपके बीन की आवाज सुनकर ना नाग देवता स्वयं प्रकट हुए हैं। जीजा इनसे वरदान मांग लो, अगले जन्म तक आपको अच्छी एक्टिंग करनी आ जाए। ऐसा बीन बजाएंगे ना असली नागी नाके तुम्हारे नाक में डस लेगी। ये भैया, ये पद्मा भाभी है ना? ए जीजा, आपको क्या लगता है भैया ना एकदम चौचक जकाल लल्लन टाप नागिन डांस करते हैं? का भैया आप भूल गए, गाजियाबाद वाली बुआ के लड़के की शादी में आप 1.25 घंटा तक नागिन डांस करते रहे हैं? कतरु याद ना दिलाओ यार, बारात में ना फूफा इतना मस्ती में थे, हमें मार दना दन इतना गोली चलाए ना पुलिस हमको पकड़ के ले गई। विदाई के समय छोड़ा हमको, उलझा नान आइसक्रीम पनीर कुछ ना खा पाए। अरे रे 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 रे। भैया क्या हो बे? हमको लगता है ना इनको हमने कहीं देखा है। अबे पूरे मेरठ ने इन्हें देखा है टीवी पे सासू माँ के साथ। वैसे नहीं जीजा, हमने इनको कहीं और देखा है, ऐसा हमको लग रहा है। ए, साले साहब कहीं भांग के नशे में हनीमून वनीमून तो ना मना लिए हो? जीजे ना वो भी भूल गए हो तुम। ए चिलगोजे, तुम कहाँ देख लिए बे? वही तो हमको याद नहीं आ रहा है कि हमने कहाँ देखा है। बेटा बहुत टाइम पास हो गया, जाओ जाके ग्राहक देखो।